हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रेसलिंग बादशाह। मैं हूं यश। तो दोस्तों, ये एक स्पेशल वीडियो होने वाला है, अ ट्रिब्यूट टू ब्रोडी ली एके ल्यूक हार्पर। दोस्तों, कल हमें एक सैड न्यूज सुनने मिली कि ब्रोडी ली एके ल्यूक हार्पर की डेथ हो गई है एट द एज ऑफ 41 ईयर्स। वो काफी जबरदस्त पर्सनैलिटी थे और एकदम एक्सेप्शनल टैलेंट थे इन WWE एंड इवन इन AEW। पर दोस्तों, अनफॉर्चुनेटली उनकी इतने जल्दी मौत हो गई है। सभी रेसलिंग फैंस एंड पूरा रेसलिंग बिजनेस मिस कर रहा है ब्रोडी ली को। तो आखिर ब्रोडी ली की डेथ कैसी हुई, ये उनकी वाइफ ने पोस्ट किया है ऑन इंस्टाग्राम। तो ये रहा वो पोस्ट जो ब्रोडी ली के वाइफ ने पोस्ट किया है ऑन इंस्टाग्राम। उन्होंने एक हार्टफेल्ट ट्रिब्यूट दिया है ब्रोडी ली को और उन्होंने कहा है कि वो कितना मिस करी है ब्रोडी ली को। और जो उनके डेथ का रीजन कहा गया है यहाँ पर, वो है अ नॉन कोविड रिलेटेड लंग इश्यू। तो आपको जैसे पता ही होगा कि COVID-19 में लंग में काफी प्रॉब्लम होता है। तो जो ब्रोडी ली को हुआ था वो कोविड नहीं था, कोई दूसरा ही कुछ था, और उसकी वजह से उनकी डेथ हो गई है। तो दोस्तों, बात करें WWE के ब्रोडी ली के मूवमेंट्स की, तो हमें उनके काफी अच्छे एंड स्पेशल मूवमेंट्स देखने मिले। पहले वो पार्ट थे वाइट फैमिली के, जो काफी डोमिनेटिंग एंड जबरदस्त फैक्शन थी। उसके बाद फिर वो सिंगल्स कंपेटिटर बने, उनमें काफी ज्यादा पोटेंशियल था। मेरे भी काफी फेवरेट थे ब्रोडी ली एके ल्यूक हार्पर। उसके बाद फिर उनको पैर किया गया एरिक रोवन के साथ, उनमें भी काफी अच्छा पोटेंशियल था। उसके बाद फिर एरिक रोवन एंड ल्यूक हार्पर, इन दोनों को ही अच्छे से यूज किया नहीं गया एंड देन दोनों को निकाल दिया गया WWE से, जो कि काफी बैड डिसीजन था मेरे हिसाब से। ब्रोडी ली ने काफी बड़े सुपरस्टार्स के साथ काम किया है इन WWE विद द लाइक्स ऑफ जॉन सीना, ब्रॉक लेसनर, अंडरटेकर, केन एंड मैनी मोर। एंड AEW में भी उन्होंने काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया था। तो दोस्तों, यहाँ पर ब्रोडी ली के डेथ पर काफी लोगों ने उन्हें कंडोलेंस दिया है। एंड दोस्तों, WWE ने भी पोस्ट किया है ब्रोडी ली के लिए। और दोस्तों, बात करें बड़े सुपरस्टार्स की, तो जॉन सीना ने भी पोस्ट किया है ब्रोडी ली के लिए। आपको पता है कि जॉन सीना इंस्टाग्राम पर पिक्स डालते हैं, वो कभी लिखते नहीं है। जॉन सीना ने उनके इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डाला है उनके एंड ब्रोडी ली के एक मैच का। तो यहाँ पर जॉन सीना ने भी ब्रोडी ली को ट्रिब्यूट दिया है। और दोस्तों, जो वाइट फैमिली के मेंबर्स थे, ब्रॉन स्ट्रोमैन, ब्रे वाइट एंड एरिक रोवन, इन तीनों ने भी काफी अच्छा कॉन्डोलेंस लिखा है ल्यूक हार्पर एके ब्रोडी ली को। ये काफी इमोशनल मोमेंट है इन तीनों के लिए। सबसे ज्यादा जो इमोशनल हुआ है इन तीनों में से, वो है एरिक रोवन। एरिक रोवन के काफी क्लोज थे वो, और आपको पता ही है कि इनकी टैग टीम कितने टाइम तक थी। और दोस्तों, बात करें सबसे बड़े ट्वीट की, तो वो ट्वीट किया है विंस मैकमैन ने। विंस ने ये लिखा है कि पूरी WWE की फैमिली सैड हुई है जॉन ह्यूबर की डेथ से, जिन्हें जाना जाता था ल्यूक हार्पर के नाम से इन द WWE, और उनके थॉट्स एंड प्रेयर्स जॉन की फैमिली, फ्रेंड्स एंड फैंस के साथ है। तो ये काफी हार्टफेल्ट ट्रिब्यूट दिया है विंस मैकमैन ने ब्रोडी ली को। तो देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि कल के रॉ में क्या हमें 10 बेल सुनाई देती है ब्रोडी ली के नाम पर। हम सब काफी मिस करेंगे ब्रोडी ली को, वो काफी एक्सेप्शनल टैलेंट थे एंड काफी अच्छे इंसान भी थे। तो एक ही बात कहना चाहूंगा, रेस्ट इन पीस ब्रोडी ली एके ल्यूक हार्पर एके जॉन ह्यूबर।